हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ फैसल मुख्तार गोविंदपुर से। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, या पॉलिसी स्ट्राइक आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने चैनल का कैसे चेक कर सकते हैं। सो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये बताता चलूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक सबसे पहले आता क्यों है। कॉपीराइट स्ट्राइक इस वजह से आता है कि जब आप किसी का कंटेंट या किसी की वीडियो उठाते हैं और विदाउट उसको एडिट किए हुए आप उसी वीडियो को आप अपने चैनल पे लगा देते हैं, या किसी का म्यूज़िक आप अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। सो हमारे जितने भी, मैं काफ़ी चैनल्स देख रहा हूँ, जितने भी हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो एज इट इज़ लोगों की वीडियोज़ को कॉपी करते हैं और अपने चैनल्स पर लगा देते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कंटेंट बनाएं, अपने जहन से सोचें कि आपने क्या करना है। अगर आपने सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो आप अपना कंटेंट बनाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, अपनी इनोवेशंस लेके आएं ताकि लोग आपके वीडियोस को लाइक करें। दूसरा ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक के कितने किस्म के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, और ये कॉपीराइट स्ट्राइक आपको कौन देता है। बेसिकली कुछ सिस्टम जनरेटेड कॉपीराइट स्ट्राइक्स होते हैं, और कुछ जिनकी कंटेंट होता है वो अगर मैन्युअली अपनी वीडियोस को आपके चैनल पे देख लेते हैं तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भिजवा देते हैं। कितनी किस्म के कॉपीराइट स्ट्राइक्स होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट मेरी प्रोफेशनली एडवाइस सब न्यू यूट्यूबर्स को ये है कि आप अपना जेन से सोचें कि आपने क्या कंटेंट बनाना है। जब आप चैनल बना रहे होते हैं तो बेसिकली उस वक्त आपने ये सोचना है कि आपने किस कौन सी वीडियोस को फोकस करना है और किसको एज ए लॉन्ग टर्म लेके चलना है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो थी कि आप अपने चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक या पॉलिसी स्ट्राइक कैसे चेक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अपने अपने चैनल्स का कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर पॉलिसी स्ट्राइक मस्ट चेक करें। देखें कि आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अपने कमेंट सजेशंस लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स वीडियो। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपने चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक और पॉलिसी स्ट्राइक कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बहुत सिंपल है व्यूअर्स। सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ से आपने गूगल क्रोम में चले जाना है। जो ही आप गूगल क्रोम में जाएंगे, आप इसके होम में चले जाएं, और आपने सबसे पहले व्यूअर्स जो आपका गूगल का आईडी है, साइन इन आईडी है, उससे पहले लॉगिन होना है, ताकि क्योंकि लॉगिन हुए बगैर आप इसको नहीं चेक कर पाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएं तो ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और ये जो डेस्कटॉप साइट है इसको क्लिक कर लें। जब ही आप इसको क्लिक कर लेंगे तो यहीं से आप अपना यूट्यूब यूट्यूब को ओपन करेंगे, और जब आप अपने YouTube को ओपन करेंगे व्यूअर्स, सो इन 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। जो ही आप सेटिंग्स को क्लिक करेंगे व्यूअर्स, सो यहाँ पे आप चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखें, अभी मेरे पास 0 of 3 कॉपीराइट स्ट्राइक है, जिसका मतलब ये है कि मेरे चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। 0 of 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और यूट्यूब की जो गाइडलाइन स्ट्राइक है उसके ऊपर कोई मेरे स्ट्राइक नहीं है। इसी तरह आप अपने जो है चैनल को चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है या फिर आपके चैनल के ऊपर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको और बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। मोनेटाइजेशन आपकी इनेबल्ड है या नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग आपकी इनेबल्ड है या नहीं है,
इनेबल्ड लाइव स्ट्रीम्स आपकी इनेबल हैं या नहीं है, यहाँ पे आप डिफरेंट अपने ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप अपना चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक कर सकते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैसे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक कितने किस्म का होता है और ये कैसे टेक डाउन किया जाता है, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक्स इन ब्रीफ होता क्या चीज़ है। सो अपना ख्याल रखिएगा, जी टेक केयर। व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आप अपने चैनल का या पॉलिसी स्ट्राइक अपने चैनल का अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन केस कि अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ भी है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप नेक्स्ट फ्यूचर के लिए उसको अवॉइड करें, उन चीज़ों को जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। लोगों की वीडियोज़ को मत यूज़ करें, अपना कॉन्टेंट बनाएं, अपने जहन से सोचें कि आपने क्या करना है। और इन केस अगर आपने किसी की वीडियो यूज़ भी करनी है तो मैं उसका मेथड भी आपको बताऊंगा कि आप किसी की वीडियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।